नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम अलेवन मनी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो मैच को कवर करने वाला हूँ, जिसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर स्टैट वगैरह बहुत सारे न्यूजेज हैं, आपको मैं यहाँ पर डीपली कवर करूँगा। यहाँ पे सीएसके वर्सेस राजस्थान पे डेप्थ एनालिसिस के साथ जाऊँगा। आज कल का जो ग्रैंड लीग ऑलमोस्ट विन किया आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर उसमें कुछ चेंजेज होता तो आज बहुत बड़ा विनिंग होता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करता रहता हूँ, उसी हिसाब से आप जाते हो तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी विन कर सकते हो बहुत आराम से। बाकी सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, जो कि बेल आइकन एक बगल में होगा उसको प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा और वीडियो भी सबसे पहले देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले आप लोगों से जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट स्टैट है, उसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा आप लोगों को, ड्रीम इलेवन मनी की तरफ से एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, पेटीएम कॉन्टेस्ट, ₹25 पर डे दिया जाता है, बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 3100-2100 ये दिया जाएगा। आज के मैच में जो क्वेश्चन है, मैन ऑफ द मैच कौन बनने वाला है इस मैच में, पेटीएम ₹25 आपको मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल अभी नहीं जुड़ पाए हो तो जुड़ जाइए, ड्रीम टू टीम सर्च कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो न्यूजेज आती है, कोई भी न्यूजेज होती है तो आप लोगों के यहाँ पर डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। मैं बात करता हूँ इसका, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 77 रैंक है, उसके बाद वन रैंक में सिर्फ 17 एक पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने वाइस कैप्टन कुलदीप को बना रखा था, रसेल को बनाता तो बहुत बड़ी विनिंग होती, छोड़ो बेस्ट ऑफ लक है ये, तो फिर भी यहाँ पर आप लोगों से बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों की विनिंग होती है, 100% श्योर शॉट है, अच्छी टीम है, बिल्कुल फ्री में है, ऐसा नहीं कि औरों की तरह पैसे लेके देता हूँ, नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ फ्री है, ₹25 कॉन्टेस्ट भी दिया जाता है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ड्रीम टू टीम सर्च कर दीजिए, इसमें अब फ्री गिवअवे होने वाला है फैंटेसी पावर 11 पर, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूँगा, फिर दे आपको स्टैट पर लेके चलता हूँ अभी। तो यहाँ पर अब आपका आज का क्वेश्चन, मैन ऑफ द मैच कौन बनने वाला है इसमें सीएसके और राजस्थान रॉयल के बीच में, आपको करना क्या होगा, हैशटैग ड्रीम इलेवन मनी के साथ किसी भी प्लेयर को आप चूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर पिच कंडीशन की बात करूँगा, तो यहाँ पर चिदंबरम स्टेडियम जो कि पिच जो स्पिनर था, स्पिन भी फ्रेंडली है, आपने लास्ट मैच में देखा होगा, हरभजन सिंह और यहाँ पर इमरान ताहिर, रविंदर जडेजा तीनों मिलकर कोहराम मचा दिए थे, बेंगलुरु को 70 के आसपास पैक कर दिया था, तो थोड़ा सा स्पिन है, चाहूँगा स्पिनर के साथ जाइए, बट बैटिंग फ्रेंडली भी पिच है, मे भी यहाँ पर 170 के आसपास या ऊपर भी रन स्कोर हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, तो आप लोग बैटमैन्स बॉलिंग दोनों एवरेज में रखना होगा। मैं बात करूँगा यहाँ पे मैचेज हुए हैं 20 सीएसके और राजस्थान के बीच में, सीएसके जो 12 मैच विन किया है, उसके बाद राजस्थान ने 8 मैच विन किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि पलरा भाड़ी आपको लग रहा है कि यहाँ पर सीएसके होगा, बट मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे स्टोरी और कहानी बताऊंगा, बेस्ट में कौन हो सकता है, सीएसके जो अपने घर में खेली है 6 बार विन की, 1 बार सिर्फ राजस्थान विन किया है, जयपुर में खेली है, तो 2 बार सीएसके, 4 बार राजस्थान, यानी कि पलरा भारी है सीएसके का, अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, 6 मैचों में 5 बार सीएसके विन की है। मैं बात करूँ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो ये इंटरनेशनल का है, उसके बाद यहाँ पर जो बेस्ट प्लेयर हो सकते, जो हाईएस्ट स्कोरर है सीएसके और राजस्थान के बीच में, दोनों के अगेंस्ट में वाटसन सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, और इसके बाद एमएस धोनी है, सॉरी यहाँ पे रैना है, सुरेश रैना के बाद एमएस धोनी है, उसके बाद आप देख सकते हो अजंक्य रहाणे है, 4 बैट्समैन आप रखना होगा, आप बटलर को भूल नहीं सकते, विकेट कीपर सेक्शन में स्मॉल लीग में हमको बटलर को रखना, बाकी डक होते हैं तो ग्रैंड लीग में आप लोगों के लिए एमएस धोनी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते हो, लोग भूल चुके हैं एमएस धोनी को, जैसे कि आप लोग देखा होगा यहाँ पे लास्ट ओडीआई जो हुआ था बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुए थे, तो एमएस धोनी आपको ग्रैंड लीग में रखना होगा, उसके बाद 4 प्लेयर अपनी टीम में जरूर हो। अब विकेट कीपर की बात, विकेट यहाँ पे बॉलर की बात करूँ तो डेवन ब्रावो, श्रेयस अय्यर, रविंदर जडेजा और इमरान ताही, ये 3-4 बॉलर अपनी टीम में जरूर रखिएगा बेस्ट में। उसके बाद हाईएस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंडिविजुअल में 2 सेंचुरी लगा चुके हैं
सीएसके राजस्थान के बीच में जितने मैच हुए हैं, रैना 98 पर नॉट आउट हैं, बटलर भी 95 स्कोर किए हैं, यानी कि तीन बैट्समैन्स को हमको कहीं नहीं छोड़ना है, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे आपके ग्रैंड लीग हो। मैं बात करता हूँ लास्ट मैच के, आप देख सकते हो लास्ट मैच में मैंने जो बताया था आपको, ये प्लेयर नहीं छोड़ना है, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और आंद्रे सेल, जो कि पृथ्वी शॉ ने तो पूरा धूम ही मचा दिया। मैं फिर से अपने बैकअप पे चलता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन प्लेयरों को हमको नहीं छोड़ना है, और यहाँ पर रहने और सैमजी सोनसन इनको भी आप जरूर रखिए। उसके बाद यहाँ पे बॉलर की मैं बात करूँ तो रविंद्र जडेजा, डेवन ब्रावो को आपको पता होगा कि डेथ ओवर में बॉलिंग करने आते हैं, तो 100% श्योर है कि यहाँ पे इनको जरूर विकेट मिलेगा। 12 ओवर के बाद ही बॉलिंग कराने आते हैं डेवन ब्रावो, श्रेयस गोपाल, रविंद्र जडेजा बेस्ट बॉलिंग के रूप में यहाँ पे आएंगे। ताहिर को भी अपनी टीम में रखना होगा, उनको भूलना नहीं होगा, चाहे आप हरभजन को छोड़ सकते हो। यहाँ पर मैं बेस्ट प्लेयर की बात करूँ, यहाँ पे प्रोबेबल 11 की आप लोगों के लिए जो स्टैट था ये मैंने दिखा दिया, जो जो प्लेयर नहीं छोड़ने उनको अपनी टीम में रखना होगा। यहाँ पे प्रोबेबल 11 की बात करूँ तो अजंक्य रहाणे, जोस बटलर, संजू सैमसन, स्टीवन स्मिथ, बेनी स्टोक, राहुल त्रिपाठी, करियप्पा गपन, और उसके बाद श्रेयस गोपाल और जोफ्रा रेचर, जयदेव उनादकर, धवल कुलकर्णी। मैं अब जो उड़ के आए उनकी बात करूँ तो जोस बटलर हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, बेन स्टोक हैं, उसके बाद जोफ्रा रिचर हैं, ये फॉरनर प्लेयर हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट मैच के बेस्ट प्लेयर में रहे हैं, अजंक्य रहाणे, संजू सैमसन आप देख सकते हो, श्रेयस गोपाल। अब बेस्ट प्लेयर की मैं बात करती हूँ तो अजंक्य रहाणे, उसके बाद जोस बटलर, संजू सैमसन, बेन स्टोक, श्रेयस गोपाल और धवल कुलकर्णी, या उनायत कट में किसी एक को रख सकते हो। 5-6 प्लेयर आपको यहाँ से भी बेहतर मिल जा रहे हैं, तो इन जो प्लेयर को मैंने मार्क टिक किया है आप उनको ज़रूर अपनी टीम में रखिएगा, बहुत आपको विनिंग कराएंगे, हेल्प ज़रूर करेंगे। सीएसके की बात करूँ तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है, कमेंट कर दीजिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, सजेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बात करूँ सीएसके की तरफ से, सन वाटसन, अवंति रायडू ओपनिंग करेंगे, उसके बाद सुरेश रैना वन डाउन आएंगे, केदार जाधव, मे बी एम एस धोनी आज 4 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। उसके बाद यहाँ पे रविंद्र जडेजा हैं, डेवन ब्रावो, दीपक चहर, सरादुल ठाकुर, इमरान ताहिर, मैं बात करूँ हरभजन सिंह या इस मिचेल स्टेनर, आप देख सकते हो फॉरनर यहाँ पे अभी तक 3 खेल रहे थे, वाटसन है, उसके बाद यहाँ पे डेवन ब्रावो, इमरान ताहिर, अगर हरभजन नहीं खेलते तो मिचेल स्टेनर, एक फॉरनर और आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब मैं आप लोगों से बेस्ट प्लेयर की बात करता हूँ जो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, वाटसन, रायडू को चाहो तो रख सकते हो, अगर रखना चाहो तो सुरेश रैना, इसके बाद धोनी है, केदार जाधव एक अच्छे में, जडेजा, ब्रावो और यहाँ पर इमरान ताहिर, 7-1 प्लेयर यहाँ भी है, आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, तो इनको अपने टीम में ज़रूर रखिए। मार्क जो टिक मैंने किया है इनको टीम में ज़रूर कम्बिनेशन रखिए। ग्रैंड लीग के लिए मैंने धोनी को ऑप्शन किया है, अवंती, रायडू को, रैना को, इन दो तीन प्लेयर को लिए ग्रैंड लीग के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है, तो ज़रूर रखिए। मैं आपको टीम बना के दिखाऊंगा, उससे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों को फैंटेसी पावर। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मैं फैंटेसी पावर 11 पर आ गया हूँ, अगर आप लोग अभी यहाँ तक नहीं जुड़ पाए हो तो जुड़ जाइए, बेहतरीन प्लेटफॉर्म, अच्छा है, विनिंग करने का चांस ज़्यादा, लो कंपटीशन है। विड्रो की बात करूँ सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है विड्रो की, लोग पूछते हैं भाई विड्रो देती है कि नहीं, बिल्कुल देती है, वो भी इंस्टेंट देती है, विथिन 5 मिनट के अंदर, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खेलना स्टार्ट कर दिए, गिवअवे यहीं पर होगा आपका, फैंटेसी पावर 11 पे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, खेलना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए डाउनलोड करिए, खेलिए। मैं अब बात करता हूँ ड्रीम 11 टीम की, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि मैंने विकेट कीपर सेक्शन से जो रखा हुआ है, यहाँ पर जोस बटलर ओपनिंग करेंगे, ऊपर आएंगे, अटैकिंग खेलेंगे, बहुत बढ़िया खेलते हैं सीएसके के खिलाफ, धोनी आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन रहेंगे, डक होते हैं तो धोनी आपको बहुत बड़ी विनिंग करा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से मैंने 4 रखा, सेन वाटसन, सुरेश रैना, उसके बाद मैंने रखा अजंक्य रहाणे और संजू सैमसन, इन दोनों को कोई नहीं छोड़ने वाला है क्योंकि लास्ट मैच के अच्छे परफॉर्मेंस हैं, जो कि संजू सैमसन लास्ट मैच के हीरो रहे हैं। मैं बात करूं आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के लिए तो स्टीवन स्मिथ बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए, स्पेशली आप देख सकते हो 24% भूल चुके हैं कि एक अच्छे बल्लेबाज हैं,
टॉप लेवल के हैं, वर्ल्ड में टॉप लेवल पे आते हैं, तो इनको अपने टीम में रखिए, कम्बिनेशन बनाइए। ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में रख सकते हो। रायडू भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर 51%, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत कम लोग बनाने वाले हैं। लास्ट आईपीएल के बहुत सबसे ज़्यादा मोस्ट जो परफॉर्मेंस देने वालों में से एक थे, बेहतर हैं, इनको अपने टीम में रखिए। बाकी चार को मैंने रखा यहाँ पर, केदार जाधव ऑप्शन में है। बाकी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डुप्लेसिस भी हैं, अगर यहाँ पे हरभजन नहीं खेलते हैं तो मे बी स्टनर या डुप्लेसिस का भी नंबर आ सकता है यहाँ पे। अगर डुप्लेसिस खेलते हैं तो फिर ओपनिंग करेंगे, उसके बाद वाटसन फोर्थ नंबर पे, अरे सॉरी यहाँ पे रायडू फोर्थ नंबर पर आएंगे, ये होगी बात। बाकी यहाँ पर राहुल त्रिपाठी को आप चाहो तो रख सकते हो, उतना यहाँ पर कोई न्यूज नहीं और सेफ में मुझे नहीं लगता कि खेलेगा, अपने टीम में सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी प्लेइंग 11 आने के बाद आपको टीम जरूर प्रोवाइड हो जाएगी, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, वो ड्रीम 11 टीम के नाम से सर्च कर लेना होगा, ड्रीम 11 मनी के नाम से आ जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए। अभी 3100 लोग हैं वहाँ पर। ऑलराउंडर से मैंने तीन रखा है यहाँ पे, बेन स्टोक, डेवन ब्रावो, उसके बाद रविंदर जडेजा को मैंने रखा है, आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर 80% लोगों ने रखा है, अच्छा है, बेहतर है। उसके बाद बेन स्टोक को, रविंदर जडेजा को, करियप्पा गौतम अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले हैं, आप इनको रख सकते हो। बाकी यहाँ पर स्टनर आएंगे तो प्लेइंग 11 देखने के बाद हम लोग रखने वाले, बाकी अभी सेफ में जाना है, जैसे कि बल्लेबाजी वगैरह खेल रहे हो तो सेफ में जाइए, इस टीम के साथ जा सकते हो बल्लेबाजी के लिए आपको टीम। बाकी यहाँ पर अब बॉलिंग सेक्शन से मैं जोफ्रा आर्चर को छोड़ दिया हूँ, इनको विकेट नहीं मिल पा रहा, विकेट इसलिए नहीं मिल पा रहा, और लोग जितने भी बैट्समैन्स हैं इनको रोक के खेलते हैं, बाकी औरों को मारने के चक्कर में विकेट गंवा बैठते हैं, तो जोफ्रा आर्चर ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे। अब कभी भी धूम मचा सकते हैं, अपने ग्रैंडली में जरूर रखे। आइसोड़ी नहीं, उनादकट भी का भी वही हाल है, अच्छी बॉलिंग कराते हैं लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा है इनको, लोग डिफेंस के साथ खेलते हैं। धवल कुलकर्णी को मैंने रखा, इमरान ताहिर को मैंने रख लिया है, उसके बाद श्रेयस गोपाल को मैंने रख लिया। बात करूँ यहाँ पर आपको, दीपक चहर ओपनिंग बॉलर हैं, सरादुल ठाकुर यहाँ पर दोनों सेफ में हैं तो अपने टीम में रख सकते हो। हरभजन सिंह का थोड़ा सा मुझे 50-50 लग रहा है, बट फिर भी मैं नहीं रखने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर सरादुल ठाकुर की जगह में भी यहाँ पे मोहित शर्मा भी आ सकते हैं आज के मैच में, तो इसके लिए तैयार रहेंगे हम लोग। प्लेइंग 11 आने के बाद अपडेट करेंगे अपने टीम को। ग्रैंड लीग की 6 टीम आज दी जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर हैं, फिर से ऑप्शन की बात करूँगा आपको, जोफ्रा आर्चर, उनादकट, जयदेव उनादकट, उसके बाद दीपक चहर, सरादुल ठाकुर, उसके बाद यहाँ पर आपको इतना कोई सेफ में नहीं है तो मैं फिर भी दिखा दूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेंगे, कैप्टन मेरे वाटसन रहने वाले, वाइस कैप्टन मेरे जोस बटलर रहने वाले हैं, आपके पास यहाँ पर रहना है कैप्टन वाइस के, अजंक्य रहने हैं, उसके बाद मेरे हिसाब से कोई बेस्ट में नहीं है। अगर आप अगर कहीं क्रेडिट पॉइंट मेंटेन कर लेते हो तो आवंती रायडू को अपने टीम में पिक कर लीजिए, बेहतर होंगे। अजंक्य रहने, संजू सैमसंग, या यहाँ पे बेन स्टोक की जगह आप रख सकते हो, बेस्ट परफॉर्मेंस करके देंगे आपको अवंती रायडू। मेरे हिसाब से मैं अगर एंड टाइम में अगर किसी को निकालूंगा तो बेन स्टोक को निकाल दूंगा, रख लूंगा, बट अभी फ़िलहाल ये के लिए। तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्त।